खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एटीएम से कैश निकालने का आरोपी इंजीनियर धर्मेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ा, एक अभी भी है गिरफ्त से बाहर, 8 लाख रुपए निकाले थे चोर ने। शहर के घंटाघर चौक के समीप स्थित यूको बैंक के एटीएम से कैश निकालने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है। पकड़ा गया आरोपी एटीएम की कंपनी में ही काम करता था, उससे 1,40,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। चोर अब पछतावा कर रहा है, उसका कहना है उसके दूसरे साथी ने बहला लिया था। भिवानी में 5 जनवरी में दिन दहाड़े चोर यूको बैंक के एटीएम से पासवर्ड लगाकर 8 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ले गए थे। चोरों को एटीएम के पासवर्ड के बारे में जानकारी थी क्योंकि वह बैंक के ही काम करता था। बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत अगले 6 जनवरी को दी, उन्हें इसकी जानकारी 6 को ही लगी थी। इस घटना के बाद भिवानी के थाना शहर पुलिस के आगे चोरों को पकड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन थाना शहर पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाई और धर्मेंद्र को दिल्ली से पकड़ लिया। धर्मेंद्र से पुलिस ने 1,40,000 की राशि भी बरामद कर ली है। K9 मीडिया के लिए भिवानी से देवेंद्र सांगवान की रिपोर्ट। इसमें मैंने पहले भी यही बताया था कि भाई इसमें जो वारदात की है टेक्निकल आदमी ने की है, उसी आधार पे हमने जो है ना इसमें 3 इंजीनियर जो इसमें जब कभी प्रॉब्लम आई है इससे पहले उसकी रिपेयर सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में जो दिक्कत आई उसको रिपेयर करने के लिए सोहन नाम का इंजीनियर कंपनी से आया था बैंक की डिमांड पर, उन्हीं से पूछताछ पे और साइबर की मदद से जिसके सोहन का साथी आरोपी धर्मेंद्र सन ऑफ अशोक प्रसाद जो शिवपुरी दिल्ली में रहते हैं सिवान बिहार का रहने वाला है को मुकदमा में गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ से इस वारदात का खुलासा हुआ है। और चोरी की गई एटीएम से मशीन जो है ना पासवर्ड इनको पहले से पता था, जब रिपेयर करने आए तो इन्होंने वो बैंक मैनेजर कुछ इसमें लापरवाह रहा है, उसको सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, इसकी मौजूदगी में उसने पासवर्ड जो इसका लॉक है लॉक पासवर्ड है उसको ये जानकारी इनको थी और इसी कारण से ये वारदात को अंजाम देने में सफल हुए थे। तो इसमें सोहन के साथी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और इससे 1,40,000 की रिकवरी रकम जो है इसके हिस्से में आई थी, 60,000 इसने खर्च कर दी, 2 लाख इसके हिस्से में आए थे बरामद कर लिए। सर 3 दिन के रिमांड में है, आज पेस दाल किया जाएगा। सर पुलिस में किस तरह मामला एक सीक्रेट मामला होता है उसको बताने से फिर आगे अपराधी सचेत हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने अपने साइबर की मदद से ही इन यहाँ तक पहुँच पाए। सर इसमें और कितने आरोपी हैं जो अभी इसमें है? आरोपी एक आरोपी और है सोहन इसका साथी मेन आरोपी है वो, उसी ने इसको बताया था कि भाई इस तरह की मेरे पास जानकारी है और हम इस काम को कर लेंगे तो अच्छी रकम आती है। मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड इसमें सोहन है, सोहन सन ऑफ गोरेलाल है इसका, ये जे कॉलोनी द्वारका में रहता है, पीछे से एमपी का रहने वाला है। तो अभी उसका जो है ना दिल्ली में जहाँ जहाँ भी रहा किराए पर रहा है, कंप्लीट एड्रेस आया नहीं है अभी, तो इसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर दे। चक्कर मारना देवेंद्र जी, कैसे आपने इस चोरी को अंजाम दिया था? कितनी देर के अंदर जो है मशीन को पासवर्ड को तोड़ करके आप पैसे लेकर चले गए? सर 2-2.5 मिनट लगे थे। इतनी जल्दी जो है आपने कैसे किया था इसको? पहले से हम एटीएम का काम करते थे। अब पछतावा नहीं है आपको इतनी बड़ी यहाँ पे चोरी के पकड़े में? अभी बहुत बड़ी पछतावा, अपनी जिंदगी में पहली बार करा था, वो भी बहकावा में आके कर दिया था। क्या बहकावा दिया था, किसने दिया बहकावा? मेरा एक दूसरा लड़का था साथ में,
मतलब ज़बरदस्ती में उसने ले के आया मुझे कि चलो आ जाओ एक बार देख के आते वहाँ पे। यहाँ आने के बाद फिर मुझे फोर्स करने लगा, मैं तो अंदर भी नहीं जा रहा था। ये कह रहा कोई नहीं, चल देखते हैं बाद में, फिर जो होगा देखेंगे, जो आगे होगा वो मैं आगे बात कर लूँगा। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं BSc कर रखा हूँ। टेक्निकल भी ज्ञान है आपको? नहीं, टेक्निकल इतना नहीं है, थोड़ा बहुत फिजिकली करा है मैंने बस। अगर आप इस शिक्षा का अच्छी जगह पर यूज़ करते तो कहीं आप फ़ायदा ना होता? अब आपने गलत जगह इसका यूज़ किया तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? सर नुकसान तो हो रहा है, घर से भी जा रहा हूँ, बाहर से तो हुई है। अब पछतावा है आपको? बहुत पछतावा है। कितने पैसे जो है आपने उड़ाए थे और कैसे? अब पैसे तो सर वहाँ से गिने नहीं थे मैंने,